एग्जाम या परीक्षाएं स्टूडेंट्स के लिए इनेविटेबल है, यानी कि वो उनसे नहीं बच सकते, लेकिन ये जो एग्जाम है वो पेनफुल नहीं होने चाहिए। इसीलिए कुछ टिप्स हैं जो आपको तैयार करेंगी जब आपका एग्जाम हो, उसके पहले क्या तैयारी करनी है। चाहे टेस्ट हो, क्लास प्रेजेंटेशन हो, चाहे असाइनमेंट ही क्यों ना हो, इन सब के लिए तैयारी करना आवश्यक है। तो सबसे पहले आता है कि फाइंड आउट अबाउट योर एग्जाम, अपने परीक्षा के बारे में पता करें। देखिए, जैसे वॉर के समय एनीमी के बारे में पता किया जाता है जिससे आपको लड़ना है, तो यहाँ पर एग्जाम है, आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना होगा कि आपके ओवरऑल रैंकिंग के लिए या इस सब्जेक्ट के लिए आपका एग्जाम कितना वर्थ करता है। अगर मैथ्स है, हिंदी है, तो कौन सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किस टाइप का एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस है, ऐसे है, ओपन बुक है या टेक होम है, या किस तरीके के क्वेश्चन होंगे आपके, चॉइस ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, काम क्या होगा आपका। दूसरा जो टिप है वो है मदद के लिए पूछें, आस्क फॉर हेल्प। कभी भी बैड फील ना करें अगर आपको किसी से पूछना पड़े तो, जिससे आप बात कर सकते हैं एग्जाम के बारे में, वो टीचर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त, आपके साथ वाले स्टूडेंट्स हो सकते हैं। यदि आप वाकई में स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो फिर आप काउंसलर के भी पास जा सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं उसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़नी चाहिए। इसके बाद आता है सॉर्ट आउट योर सब्जेक्ट मटेरियल। इसका मतलब यह है कि इससे पहले कि आप सब्जेक्ट के बारे में रिव्यू करें, पहले देखिए कि आपके पास सारे हैंडआउट्स नोट्स हैं कि नहीं, उन नोट्स को पूरे ऑर्डर में लगाइए, उसके बाद उस कोर्स की आउटलाइन तैयार करिए और सब्जेक्ट गाइड को देखें। उसके बाद आपको क्या करना है कि हर चीज की समरी टेक्स्ट बुक में कि जो चैप्टर है उसकी समरी आपके पास होनी चाहिए, सेक्शन, हर एक सब्जेक्ट गाइड का एक सेक्शन आपके पास होना चाहिए, और जब ये आप तैयार कर लें एक साथ, तब आप शुरुआत करें अपनी पढ़ाई की। इसके बाद आता है रिव्यू पास्ट एग्जाम पेपर्स, यानी पिछले जो परीक्षा हो चुकी है उनके पत्रों की समीक्षा करें, यानी कि आप ओल्ड पेपर लाइए और उसका स्ट्रक्चर ले लीजिए, फॉर्मेट ले लीजिए, फैमिलियराइज हो जाएंगे। जब आपके सामने पेपर आएगा, जब आपके सामने पेपर होगा, तो आप जानते हैं कैसे आने वाला है। इसी तरीके से अगर आप कहां कहां से पा सकते हैं, टीचर से पा सकते हैं और लेक्चरर से, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से, इंटरनेट से, लेकिन जब रिव्यू करेंगे तो साथ में आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, यानी कि बार बार प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, और उस टाइम के दरमियान जो टाइम लिमिट है उसके दरमियान करें। फिर उसके बाद आता है नो वेयर टू गो, यानी कि कहां जाना है जरूर पता करें। अब एग्जाम के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम आपका 10 किलोमीटर दूर है, आपका सेंटर वहां पड़ा, आपको पता ही नहीं है कहां जाना है, एक बार जरूर एक ट्रायल रन दीजिए, जाइए वहां पर, देखिए, वापिस आइए। यानी कि सबसे पहले आपको अपना एग्जाम टाइम टेबल देखिए, जगह देखिए कहां जाना है, एक प्रैक्टिस रन दीजिए, हर चीज की एक लिस्ट बनाइए और उसको अपने पास रखिए, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, पेंसिल हो गया, रूलर हो गया, ये सब आपके पास होना चाहिए, उस समय ना मांगे, उस समय आप परेशान ना हो। और उसके बाद जो भी आपका स्टडी है उसी के हिसाब से पढ़ाई करिए, यानी कि आपको सुबह उठ के पढ़ना है तो एक प्रैक्टिस रन उसको भी दीजिए। इसके बाद आता है डोंट क्रैम, यानी कि आप रटिए मत, समझ के आगे बढ़िए। अगर आप किसी भी चीज को रटते हैं तो आपको स्ट्रेस होगा, आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने दोस्तों से, अपने मित्र से, अपने टीचर से पूछ सकते हैं, इससे आप रिफ्रेश रहेंगे। रात भर मत पढ़िए, 2-4 दिन पहले कम से कम पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आपने रिवीजन किया है तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर, आपने मटेरियल एक साथ लाइए, आपके नोट्स को एक बार स्टडी करिए और जो की कॉन्सेप्ट है उसको दोबारा रिवाइज करिए, अलार्म भी लगा लीजिए। उसके बाद आता है अपने आप को शांत रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है, एग्जाम के पहले आदमी नर्व रैकिंग हो जाता है, यानी कि उसको बटरफ्लाइज होती है, डर लगता है, लेकिन बहुत अच्छा तरीका है इसका, किसी से ज्यादा बात मत करिए, आराम से जाइए। उसके बाद टाइम से पहले पहुंचिए, ताकि आप एकदम दौड़ भाग करके ना पहुंचे, वहीं आप सांस फूलेगी, थकेंगे। इसी तरीके से ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लेना है, डिसेंट ब्रेकफास्ट लेना है आपको। कोई अच्छे से म्यूजिक सुनिए, बहुत इंस्पायरिंग सी म्यूजिक सुनिए, वो आपको फायदा करेगा। उसके बाद आता है कि अपनी रीडिंग टाइम, पढ़ने के लिए समय लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि जब आपके पास एग्जाम टाइम में पेपर आए तो सारे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िए, पूरे एग्जाम पेपर को स्कैन करिए, देखिए कितने पेज है, हर एक क्वेश्चन का कितना वर्थ है, किसमें मुझे ज्यादा समय लगाना है, जिसमें ज्यादा मार्क्स होंगे उसमें ज्यादा समय लगाना है। इसी तरीके से पहले प्लानिंग कर लीजिए आंसर की, क्वेश्चन लिखने से पहले आंसर की प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब सोचिए कि मुझे पहले क्या करना है। इसी तरीके से हर एक सेक्शन को टाइमली आपको डिसाइड करना है और वहीं से आंसर के बारे में भी शुरू कर दीजिए सोचना। फिर उसके बाद आता है ब्रेक द क्वेश्चन डाउन, यानी सवाल को ब्रेक करें फिर जवाब दें। सबसे जरूरी यह है कि आपके सामने सवाल आया, अब वो सवाल के बहुत सारे भाग हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक एक अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि स्टडी और रिवीजन में अंतर बताइए, तो इसको 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहले एक्सप्लेन करिए कि इसका मतलब क्या है,
फिर डिफरेंस बताइए, डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर जो स्टडी और रिवीजन के बीच में हो। इसके बाद स्टडी के बारे में बताइए, स्टडी क्या है और रिवीजन क्या है, रिवीजन के बारे में बताइए। इस तरीके से आपको जो की पार्ट है क्वेश्चन के वो तोड़ने हैं और उस हिसाब से लिखना है एक एक करके, तब आपको फायदा होगा। दसवां जो आता है वो आपका रिव्यू करना है आंसर का, ये बहुत जरूरी है। जब आपने पेपर लिख दिया तो आपके पास समय इतना बचना चाहिए कि आप बैग में जाएं और फिर सारे आंसर्स को जिसमें आप कॉन्फिडेंट है उसको भी देखिए, तो रिव्यू करिए अपने क्वेश्चंस को जितने ज्यादा हो सके और शुरुआत वहां से करिए जिससे आपको आप लीस्ट कॉन्फिडेंट है कि जरूर इसमें कुछ मेरी कमी रह गई है। आप ये देखिए कि आपने सारे आंसर कर लिए हैं कि नहीं क्वेश्चन, और जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो उसके सारे पार्ट्स भी हमने सारे आंसर दे दिए कि नहीं दिए दिए, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें मल्टीपल पार्ट्स हो। तो ये कुछ 10 टिप्स थी, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।